हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद प्रशांत। तो आप सब कैसे हैं? आप जैसे भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आराम से यहां पर बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे ये काम करने में। जी हां दोस्तों, बहुत ही आसानी से यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। और मेरा नाम है प्रशांत और आप सब देख रहे हैं प्रशांत। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है remove.bg। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। जो भी पहला वेबसाइट आपको देखने को मिले उसी पर आप सिंपली टाइप कर लेना है, उसे ओपन कर लेना है। फिलहाल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको इस पर टाइप करना है अपलोड इमेज पर। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको खुल कर आ जाएगा आपकी गैलरी। वहाँ से आप अपना फ़ोटो चूज कर लेना, जिस भी फ़ोटो को आप यहाँ पर उसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसको चूज कर लेना। उसके बाद ऊपर आपको डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है उस रिमूव होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो का यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज होकर आ गया, यहाँ पर अब रिमूव हो गया। अब आप यहाँ पर पीछे कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये PNG फॉर्म में आ गया है। अब आप इसे थंबनेल पर आसानी से यूज कर सकते हैं। इसे आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड HD पर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम और इसमें बताते हैं यहाँ पर एडिट कैसे करें। एडिट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को, इसमें कई सारा यहाँ पर कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को चेंज कर पा रहे हैं। इस प्रकार अपना यहाँ पर आप एडिट कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद इसे सिंपली डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं आप अपने फ़ोटो को। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर लुक दे सकते हैं। गाइस, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको इस पर टाइप करना है, उसके बाद सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही आसान तरीका से मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि आपको यहाँ पर कैसे अपने बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर पूरी तरह वीडियो समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। यहाँ पर ये पार्ट 1 था। यहाँ पर अगले वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा कि आप अपने PC लैपटॉप से कैसे यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी आपके पास पहुंचे और आप जल्दी जल्दी देख पाएंगे। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।